उन्होंने कहा कि किसानों के लिए भाजपा सरकार ने बहुत कुछ किया है और आगे भी करने वाली है, बल्कि किसानों को वो विदेश भी भेजने वाली है। और अब आपको सीधे संसद लिए चल रहे हैं, जहां पर संसद के लोकसभा ले चलते हैं, जहां पर अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। संविधान की बात कर रहे हैं सर, और इसी संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि किसी भी धर्म के ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी को हिंसावादी करार नहीं दे सकता है, और इन्होंने हिंदू को हिंसावादी कहा सर। संविधान का इन्होंने अपमान किया है, संविधान की झूठी दुहाई दी है, इनको माफी मांगनी चाहिए सर। ये आर्टिकल 25 है सर संविधान का सर, इनको माफी मांगनी चाहिए। आर्टिकल 25 जो है संविधान से चलता है, ये पार्लियामेंट संविधान से चलता है सर, इनको माफी मांगनी चाहिए सर। ये संविधान से ऊपर नहीं है सर, कांग्रेस संविधान से ऊपर नहीं है। सर माने प्लीज प्लीज एक मिनट देता हूं मैं आपको। हिंदू धर्म कहता है, एक मिनट प्लीज माने सर, प्लीज माने प्लीज एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्यगण, ये सदन की एक मिनट मैं दूंगा, अलाउ करूंगा आपको। माननीय सदस्यगण, इस सदन की एक गरिमा रही है, और हमें संवाद चर्चा करते समय इस सदन की गरिमा को रखना चाहिए, और ऐसी कोई भी आपत्तिजनक बात जो पूरे समाज के पर विषय हो, कम से कम प्रतिपक्ष के नेता को बोलते समय ध्यान रखना चाहिए। मैं इसको सीरियस तरीके से देखूंगा। सर, अगर आप हिंदू धर्म के जो महापुरुष हैं, महापुरुष छोड़िए, अगर आप शिव जी को देखें तो शिव तो क्या हो रहा है सर, अगर आप शिव जी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा नफरत हिंसा। स्पीकर सर, कहां कहां तक इन्होंने डर फैला दिया है। सर, कहां कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया। मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार, अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा, अयोध्या ने राम भगवान व्यवस्था का सवाल है। इस सदन के नियमों की पुस्तिका, इससे कुछ सदस्यों को क्या मुक्ति दे दी गई है? आपके गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्त धून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब, सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। ये सदन, मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहे,
नियमों के अनुसार रहना चाहिए, ये हम सभी सदस्यों का आपसे विनंती। ठीक है सर, एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्यगण, आप ही राम भगवान की जन्मभूमि ने अपेक्षा करता हूं कि अपन इसके नियम प्रक्रिया चले, सब चले। नो, आपने बताया था नियम। नो, माइक दीजिए सर। हाँ सर, मेरा सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? प्लीज बैठिए, बैठिए सर, ये ऑफ हो। प्लीज माने बैठिए, प्लीज। ये बार कई बार विषय उठ गई और बहुत गंभीर, और माननीय सदस्य, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप सदन के बाहर भी ये बात कहते हैं कि माइक बंद कर देते हैं। मैंने कई बार आग्रह पूर्वक किया कि आसन पर इस तरीके का आरोप नहीं लगाए। नो, प्लीज बात सुनिए। आसन पर सभी दल के, प्लीज, आसन पर सभी दल के लोग बैठते हैं और सभी दल के लोग सभापति तालिका पे हैं, और सब जानते हैं कि एक व्यवस्था होती है, जिस भी माननीय सदस्यों को आग्रह किया जाता है बोलने का वो बोला जाता है, और जिसको आग्रह नहीं किया जाता उसका माइक चालू नहीं होता। आप बोलने के लिए खड़े, आपका माइक कभी बंद नहीं हुआ, कभी बंद नहीं हुआ। आप अगर आसन में जो भी विराज रहे हैं वो अगर आपका नाम नहीं पुकारते तब माइक चालू नहीं होता। ये व्यवस्था हमेशा इस सदन की रही है, पुराने में भी और नए में भी। कभी आसन पे व्यक्ति पर माइक का कंट्रोल नहीं होता। दूसरा, माननीय प्रतिपक्ष के आप नेता हैं और आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप लोकसभा की प्रक्रिया का, संचार नियम का पालन करें, संविधान की जो व्यवस्थाएं दे रखी है उसकी पालन करें, और सदन में बोलते समय किसी भी धर्म को के ऊपर ऐसा आक्षेप नहीं करें जिससे पूरे देश के अंदर विषय पैदा हो, यह आपसे अपेक्षा की जाती है। सर, मेरा, मैं बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट करता हूं स्पीकर सर, मगर मेरे भाषण के बीच में सच्चाई यह है कि माइक ऑफ हो जाता है, मैं क्या करूं, हो जाता है वो। अब आपने देखा, आपने देखा मैंने अयोध्या शब्द यूज किया और माइक ऑफ हो गया। नो, अरे ये प्रधानमंत्री मोदी जी के टाइम में आधा आधा कह रहा है क्या? तो अयोध्या ने राम की, राम भगवान की जन्मभूमि, प्लीज ब्रदर, ब्रदर, राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया और ये आपके सामने मैसेज बैठे हुए हैं। मैंने इनसे पूछा कल कॉफी पी, इनसे मैंने पूछा, बताइए, मैंने पूछा कि बताइए ये हुआ क्या, बीजेपी ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, राम बोलने दीजिए, राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया। अरे भाई आप हार गए, नाम बोलने की कोई जरूरत नहीं, मैं भाषण दे रहा हूं, आप नहीं दे रहे हो, मुझे बोलना है जो बोलना है, मुझे नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। तो अयोध्या ने मैसेज दिया और मैंने इनसे पूछा कि हुआ क्या, और इनका जवाब आया। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। सही बात। और मैंने कहा ये क्या हुआ, उन्होंने कहा राहुल जी अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई
और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा, सही बात, उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। इन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या के इनॉग्रेशन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ, क्योंकि इनॉग्रेशन में अदानी जी थे, अंबानी जी थे, मगर अयोध्या का कोई नहीं था। और ये कारण था कि अयोध्या की जनता में, उनके दिल में नरेंद्र मोदी जी ने भय डाल दिया, उनकी जमीन ले ली, उनके घर गिरा दिए, और फिर अयोध्या के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को मंदिर के इनॉग्रेशन तक नहीं जाने दिया। मंदिर के इनॉग्रेशन छोड़ो, उसके बाहर भी नहीं जाने दिया। और इसीलिए अयोध्या की जनता ने सही मैसेज भेजा। अच्छा, इन्होंने मुझे एक और बात बोली, तीन बार इन्होंने कहा कि तीन बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, दो बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं, और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। तो अयोध्या की जनता को डराया, पूरे देश को डरा दिया। मैं आपको बताता हूं, आज सुबह में आया, राजनाथ सिंह जी ने मुस्कुरा के मुझे नमस्ते की, और मोदी जी बैठे हैं, मुस्कुराहट नहीं, सीरियस, नमस्ते भी नहीं करते, कहीं मोदी जी ना देख लें प्रॉब्लम हो जाएगी। वही कहानी गडकरी जी की है, सच्चाई है। अरे भाई, अयोध्या की जनता को छोड़ो, ये तो बीजेपी वालों को डराते हैं। माने एक मिनट, माने माने प्रतिपक्ष के नेता, एक मिनट, माने प्रतिपक्ष के नेता, आप सदन के वरिष्ठ नेता हैं, मेरा आपसे आग्रह है कि राष्ट्रपति अभिभाषण पर डिबेट हो रही है, इसकी गरिमा, राष्ट्रपति अभिभाषण की गरिमा रखे ना, ये तो अपेक्षा आपसे सब करते हैं कि आप राष्ट्रपति अभिभाषण पे बोले, नीतियां पे बोले, कार्यक्रमों में बोले, आप व्यक्तिगत रूप से नहीं, अगर आप ये उचित मानते हैं क्या? स्पीकर सर, ये उचित है, अगर आपकी पार्टी इसको उचित मानती है तो मुझे कुछ नहीं कहना। स्पीकर सर, माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। सर, आपने कहा कि डिबेट प्रेसिडेंट्स एड्रेस पे होनी चाहिए, ये जो मैंने किया है। अनुराग ठाकुर जी ने अयोध्या की बात की थी, अनुराग ठाकुर जी ने सनातन धर्म पर आक्रमण की बात की थी, इसीलिए मैंने ये किया है। मैं दिखाना चाहता हूं
कि अयोध्या में क्या हुआ, अयोध्या की सच्चाई क्या थी, प्रेसिडेंट्स डिबेट में उन्होंने बात उठाई थी, मैंने बात बंद की है। डर फैलाया और ऑपोजिशन का रिस्पांस, एक साथ मिलकर भारत जोड़ो यात्रा, सारे के सारे ऑपोजिशन, पूरा देश एक साथ मिलकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला। और जो आपने डर फैलाया उसके बारे में यात्रा में बहुत कुछ सुनने को मिला। अभी तक याद है सुबह 7-8 बजे की बात थी, यात्रा में चल रहे थे, एक महिला आती है हमारे साथ चलती है, मेरा हाथ पकड़ती है और घबराई हुई सी थी तो मैंने पूछा क्या हुआ, मुझे कहती है मुझे मार रहा है। मैंने पूछा कौन मार रहा है। मैंने पूछा कौन मार रहा है, कहता है मेरा पति मार रहा है। मैंने कहा क्यों, कहती है सुबह का खाना नहीं दे पाई। मैंने कहा क्यों, खरीद नहीं पाई, महंगाई है, खरीद नहीं पाई, खाना नहीं पका पाई, इसलिए मुझे मार पीट रही है। मैंने कहा बहन क्या करूं, कैसे आपकी मदद करूं। कहती है आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ ये बात याद रखिए कि महंगाई के कारण हिंदुस्तान में हजारों महिलाओं को सुबह पीटा जा रहा है। उसके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। गैस सिलेंडर, महंगाई, तो आपने गरीबों को, महिलाओं को डराने का काम किया। शिव जी कहते हैं डराओ मत, आपने हिंदुस्तान की महिलाओं को महंगाई से हर रोज डराया है। कुछ दिन पहले मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला, छोटा सा घर था, ठीक है छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती है। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी, मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो।
एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन